हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 1000 के करीब क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। बात करने वाले हैं 1001 से आगे। तो याद रखना, जितने भी आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए वो सभी लेक्चर जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। 1001वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो आपको बता देना है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, C6H6 क्या है? तो याद रखना ब्रेंजीन। ब्रेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। ब्रेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ब्रेंजीन की संरचना वलय होती है। एथीन का सूत्र है C2H4। त्रिबंध वाला आसन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र है CnH2n2n-2। सबसे सरल एल्काइन एथाइन होता है C2H2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है C2H2n+2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो याद रखना मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस आपकी मीथेन है। मीथेन धान की फसल में से भी उत्पन्न होती है। गोबर गैस में 65% तक मीथेन पाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक रूप में रूस में भंडार माना जाता है। भारत ईरान से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नेब्यूला। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। 1755 ईस्वी में सर्वप्रथम एम्यूलान कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति नेबुला सिद्धांत की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर पांच, इसी चार की व्याख्या है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो सुपरनोवा तारा बनता है। सुपरनोवा तारा विस्फोटित अधिनव तारे का कोर क्रोड संकुचित होकर न्यूटन तारा अथवा कृष्ण छिद्र बन जाता है। चंद्रे का संबंध ब्लैक होल से है। चंद्रशेखर को इस खोज के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पांचवा क्वेश्चन है, मार्स गैस की प्रमुख घटक क्या है? मेथेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर छः, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई? तो याद रखना फास्फोरस। ग्लाइडर का आविष्कारक जॉर्ज केली। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्गिलीस, रॉबर्ट फीरे तथा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। हेनरी वेकलवर और दंपत्ति क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सात, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है समस्थानिक। ठीक, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसका समस्थानिक बदल जाता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समय स्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। संभारिक, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नौ, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो याद रखना नेट आवेश के साथ वो परमाणविक कण को नकारात्मक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गैल्वेनी करंट
एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 11, दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया? तो याद रखना, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। दमित्री मेंडलीव रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया है ना। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की सारणी 7 हो गई और वर्ग की संख्या 9 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो याद रखना, केवल एक प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब है? ये ऑप्शन इसमें सही है, वह है जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, सल्फर का ने अपना नाम किस भाषा से लिया? याद रखना, लेटिन। क्वेश्चन नंबर 15, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? सी, टेफ्लॉन। ठीक, ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रियोन कहते हैं। नाइक्रोम में टंगस्टन का प्रयोग होता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? याद रखना, टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को भीतर रखा जाता है, तो याद रखना, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच ब्रांड या आयनों का विनिमय होता है? द्विटी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो याद रखना, मिश्र धातु। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। इस्पात में लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु होती है। स्टेनलेस इस्पात में 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। यह संक्षारण या जंग रोधी होती है। इसका प्रयोग वो बर्तन या उपकरण बनाने में होता है। सिलिकन इस्पात में 35% तक सिलिकन की मात्रा होती है। ठीक है, सिलिकन इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण, मजबूत और अम्ल रोधी होते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय नहीं है? तो याद रखना, सल्फर नहीं है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 23, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 24, जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पाद तो का उत्पादन होता है? तो याद रखना, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, बॉसिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का नाम का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल
किया जाने वाला खमीर है किडवन, के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वायु गैस का प्रमुख हिस्सा होता है, तो याद रखना मीथेन। क्वेश्चन नंबर 29, आग को बुझाता है, तो याद रखना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, वह एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्वेश्चन नंबर 31, जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिल जाता है, तो इसमें होगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, एथाइल मरकप्टान हवा में प्रसार करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, नील वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन है, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है, इन्हें लंथानाइड श्रृंखला कहा जाता है। इनमें सही है, एक ये सही है, यह आवर्त सारणी के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। बी ऑप्शन भी सही है, समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व कहा जाता है। डी ऑप्शन है, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से 103 तक होती है, उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। डी ऑप्शन भी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, एक घरेलू सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, किसी भी अवस्था की जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 35, ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसी गैसीय मिश्रण होता है जो के लिए सक्षम होता है। ग्रीन हाउस गैस भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्पों में एक नहीं हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत CO2 गैस है। सूर्य के विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होती है, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा CO2 गैस के कारण वायुमंडल में पुनः पृथ्वी पर आती है, और इस कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है जिससे अनेक प्रकार का संकट उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, तो याद रखना बेथियोनिल, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 37, सॉरी, विलायक अणुओं की एक अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट जो कि उस दिशा में जो खुले पदार्थों की सघनता को दोनों तरफ से समानता बनाती है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो याद रखना पारा, क्या होगा आपका, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, तो याद रखना हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तीनों है, नियोन हीलियम रीडोन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, रजत सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, आर्गन, ए ऑप्शन सही है, ऑर्गन निष्क्रिय गैस है, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, हवा एक है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 43, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, बी ऑप्शन सही है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 44, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये उत्पाद हैं, उपयोग हैं। तो पेट्रोलियम ईथर, ये है आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक, पैराफिन मोम मलहम और कॉस्मिक के लिए, एस्फाल्ट कोक छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड के लिए, गैसोलीन ईंधन के लिए। तो आपका इसमें होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। क्या है 45? निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। क्विक लाइम, यह है आपका क्विक लाइम होगा CaO। इसके कड लाइम, ये होगा आपका CaOH मतलब S। यूरिया, ये होगा आपका P। वॉशिंग सोडा Na2CO3 यानी कि Q। तो आपका इसमें होगा D, C ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना एंटोनी लवोइसिए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लवोइसियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 47, विनेगर किससे बना है? एसिटिक एसिड से, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो याद रखना बिजली नहीं है। ठीक है, कोयला तेल पीट है, बिजली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, काला सोना क्या है? तो याद रखिए पेट्रोल। काला हीरा कोयला को कहा जाता है, उजला हीरा बिजली को कहते हैं, झूठा सोना आयरन पायराइट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आमिश्रणीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? याद रखना मरकरी को, किसे? मरकरी को। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास गैस कहा जाता है? तो याद रखना N2O। क्वेश्चन नंबर 53, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो 53 में आपका होगा C, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 54, न्यूक्लियस में परमाणु के मांग को दर्शाता है, प्रोटॉन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संबंधता को कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? याद रखना मरकरी। क्या है? मरकरी। क्वेश्चन नंबर 57, उस विक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती? डिपोजिएशन, डिपोजिशन, बी ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58, चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना O3। क्वेश्चन नंबर 61, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना हैरी बियरली।
नंबर 62, शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ठीक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। क्वेश्चन नंबर 64, रबड़ को तागत प्रदान करने अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करके ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। मेथाइल आइसोसाइनेट, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 को MIC गैस के रिसाव के कारण हुआ। इससे भारी हानि हुई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग प्रभावित हुए। अभी तक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया। 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइसलैंड रिएक्टर में दुर्घटना यूएसए हुई थी। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल रिएक्टर दुर्घटना यूक्रेन में हुई थी। 14 मार्च 2011 को फुकुशिमा जापान में रिएक्टर दुर्घटना हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का फिसितन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, लुब्रिकेंट टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। ठीक, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 68, मैथेन मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, मीठे शीतल पेय पेय का प्रमुख घटक क्या है? कार्बोनेटेड पानी। क्वेश्चन नंबर 70, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? लेड, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, बहुपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है? याद रखना, पॉलीथीन, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, सिलिकन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। क्वेश्चन नंबर 74, मालेबल धातु के गुण को दर्शाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे? बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76, सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं रहता है। टूथपेस्ट में झाग ग्लिसरीन के कारण होता है। झाग बनने के कारण दांत साफ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78, 1 क्वारिया कैन डिसोल्ड गोल्ड, कार्बिडाइट और सेल्विनाइट सोना का अयस्क है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो निकलता है बेरियम की उपस्थिति के कारण, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के की उपस्थिति के कारण निकलता है। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर और मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है? हीरा है, फुलरीन है, ग्राफीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? तो 80 का आपका सी होगा, क्या होगा? सी, नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 81, खाने वाली
वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 82, गैल्वे नाइड लोहा क्या होता है? जिंक लेपित लोहा। क्वेश्चन नंबर 83, अभिकथन, अभिकथन और एक कारण दिया गया है इसमें। अभिकथन है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। इसमें भी ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, दांत का एनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, फोटोसिंथेसिस कि किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल। ठीक, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86, कार्बन के विकार एवं उसके प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ी का चयन करें? तो यह डी, ग्रेफाइट ईंधन। कार्बन के विकार एवं उनके उपयोग के संबंध में गलत जोड़ी ग्रेफाइट ईंधन है। ग्रेफाइट पेंसिल होगा। ठीक, हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक का निर्माण, कार्बन ब्लेड मुद्रण की स्याही, हीरा गहने। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 87, अभी कथन है बल्ब के अंदर का तंतु तांबे से बना होता है और कारण आमतौर पर बल्ब में हवा होती है, तो इसमें डी कथन होगा। अभी कथन और कारण दोनों गलत हैं। बल्ब के अंदर का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर नियान आर्गन आदि गैस भरी होती है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का उत्पादन दुगाना राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 88, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो याद रखना गैल्वेनाइजिंग। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डी है। क्वेश्चन नंबर 90, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। ठीक, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। एटम बम मात एक देश जापान पर गिराया गया। एटम बम 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था। जॉन ब्राउनिंग स्वतः संचालित फाइटर बंदूक के आविष्कारक हैं। सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है NHNO3। ठीक, HNO3। क्वेश्चन नंबर अगला है 92, टकाई के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सीसा टिंग की मिश्र धातु का। ठीक है, क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो याद रखना हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक। हीरे की चमक में हीरे निम्न अपवर्तन सूचकांक का प्रयोग नहीं है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक है। हीरा में रवि घनाकार होते हैं। हीरा किसी द्रव में नहीं घुलता है। हीरा का अम्ल क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना फॉस्फाइन। ठीक, कौन सा? फॉस्फाइन, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95, गैस की लो का नीला कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो याद रखना नीला होगा इसमें। ठीक है, गैस का लाल भाग कम गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 96, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व कौन सा है? इसमें सोडियम
सबसे ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। क्या हुआ सी? क्वेश्चन नंबर 97, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान संख्या वाले परमाणु के आयन होते हैं, सी ऑप्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 5.5 या उससे कम। क्वेश्चन होगा आपका 99 का, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का उपयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 1100 का, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। टमाटर में होता है आपका ऑक्जिलेटिक ऑक्जिलिक, इमली में होता है टार्टरिक, संतरा में होता है सेट्रिक, नेटल का डंक होता है मेथिनोइल, चींटी के डंक का होता है मेथिनोइक, सिरका एसिटिक, अचार में एसिटिक, सोडा वाटर या अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मौलिक, अंगूर में टार्टरिक, खाना पचाने में HCl, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में ऑक्जिलिक अम्ल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, ठीक है। 1000 तो 1102 क्वेश्चन है, बॉस आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उस अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? ये जेम्स चैडविक और जे.जे. थॉमसन द्वारा प्रस्तावित है, गलत है सी, ठीक है, सही होगा इसमें, यह तत्वों के नाम के लिए एक आशुलिपि संकेतक है, बी ऑप्शन है, प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, रेडी क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक सी आई है। रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है कि जेम्स चैडविक और जे.जे. थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, रासायनिक प्रतीकों में अनेक रासायनिक शास्त्री और वैज्ञानिक जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्विनीकरण जंग से बचने वाले वाली एक विक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक का कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? गोंद। क्वेश्चन नंबर 6, स्टर्लिंग सिल्वर की न्यूनतम 1000 विभाग की शुद्धता क्या है? 925, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सात है आपका, मैथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ठीक है, सात डी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो याद रखना आयोडीन, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो याद रखना बेरिलियम का। क्वेश्चन नंबर 10, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना विपरीत पराशन, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखना 6, कितना होता है? 6 परमाणु सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है उत्कृष्ट गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखना जूलियस ओपनहाइमर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यह है आपकी प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया में। क्वेश्चन नंबर 16, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एलम का,
क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? अपघटन प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। वातावरण के में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो इसमें होगा आपका जीवाश्म के ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, और वाहनों की वृद्धि से। ठीक है, तीन ऑप्शन होंगे इसमें, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 19। उपयुक्त विकल्पों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें डी होगा। अम्ल नीली लेटमस को लाल रंग में बदल देते हैं और क्षार लाल लेटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन नहीं है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ये गलत है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अणुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। बी है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ए भी सही है। डी है, धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? 5.5 से 7.5 के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किससे फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन दोनों को, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखना ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये नहीं है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का कम कर उपयोग करना, वनीकरण, सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग के में इस्तेमाल किया जाता है, तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, एक बहुलक होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है, याद रखिए फ्लोराइड, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? गैल्वेनाइजेशन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त प्रकार हैं, यह कथन मेंडलीव का आवर्त नियम का कथन है, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28। पेयजल आपूर्ति कॉलीफार्म की उपस्थिति का लक्षण है मानव अपशिष्ट से संदूषण, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। न्यूलैंड्स मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया आवर्त सारणी विषय वस्तु का, ठीक है, मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। ठीक, तो ये थे हमारे 1129 के करीब क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, देख लिए अच्छे से केमिस्ट्री से संबंधित। हम लोगों ने जो पहले एक सामान्य चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म किए थे उन्हें, उन तथ्यों को और इन्हें 1100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता है इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, इतने में सभी कवर हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो आपका।